नमस्कार बागवान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें प्रेम चौहान जी के ऑर्चर्ड में, इस ऑर्चर्ड से पूरा मतलब इंडिया विख्यात है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस ऑर्चर्ड में किस तरह से प्लांटेशन हुई है। इस ऑर्चर्ड में लगभग 20,000 प्लांट लगाए और किस तरह से लगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए, ये आप देख सकते हैं कितने हाइडेंस प्लांट लगे हैं। इसका जो डिस्टेंस है ये लगभग 1.5 फीट का होगा यहाँ पे, और रो टू रो इसका लगभग 2.5 से 3 फीट का है डिस्टेंस। और जो कैनोपी फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इस प्लांट को एक कॉलम में बनाया है, सिंगल लीडर सिस्टम में बनाया है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग किस तरह से लगी है। ये देखिए किस तरह से प्लांट को जो है कंट्रोल किया गया है। ये जो सारी प्लांटेशन हुई सारी सीडलिंग पे, और ये इसको कह सकते हैं कि मल्टी लीडर पे है। ये किस तरह से इसको भी कंट्रोल किया है। इसके आप बर्ड्स देख सकते हैं कितने हेल्दी, और आजकल और किस तरह से इसको जो है कंट्रोल किया गया है बड में। ये भी मल्टी लीडर में है, आप देख सकते हैं 5500। ये सारे यहाँ पे जो जितने भी प्लांट है ये सारे मल्टी लीडर में है, और किस तरह से इनको कंट्रोल किया गया है। ये जो बड़े प्लांट आपको दिख रहे हैं सारे मल्टी लीडर में हैं। और जो नई प्लांटेशन हो रही है ये सिंगल लीडर सिस्टम में है। आप देखिए किस तरह से इसमें बर्ड बने हैं। और ये गाला कितना हेल्दी प्लांट है, और इसकी जो हाइट है लगभग 15-16 फीट होगी। ये जो है ये एक फाइनल रिजल्ट है, इस प्लांट को देखिए और ऊपर जो इसमें फ्रूटिंग हुई है ये कोई शायद फ्यूजी या गाला में कोई वैरायटी होगी। Thank you.